हेलो एवरीवन, आज मैं आने वाली हूँ 2 मिनट बनने वाली मलाई ब्रेड रोल। बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, तो चलिए इसमें आज शुरू करते हैं। सबसे पहले बोल में 1/4 कप मलाई ले लेंगे। यह घर की फ्रेश मलाई है, इसे हल्का गाढ़ा ही रखिएगा, ज़्यादा पतला ना हो। अब इसमें 1/4 कप कंडेंस मिल्क मिला देंगे। कंडेंस मिल्क मीठा होता है, तो आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसमें 1/4 कप कुटा हुआ ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे। काजू, पिस्ता, बादाम और अखरोट को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे कूट कर इस्तेमाल करें। मलाई का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब एक ब्रेड की स्लाइस ले लेंगे और इसके किनारों को कट कर लेंगे। आप चाहें तो 3 ब्रेड को साथ में ले लें और एक साथ इनके एजेस को कट करके निकाल दें। आप वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इस ब्रेड को अच्छे से जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेंगे। कभी कभी ब्रेड कुछ दिन पुराने होने की वजह से या फ्रिज में रखने की वजह से थोड़ा हार्ड हो जाते हैं। उस केस में आप पानी या दूध को ब्रश की मदद से इसके ऊपर थोड़ा सा लगा दें तो यह थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। ब्रेड को अच्छे से बेल लेने के बाद जो हमने मलाई का मिक्सचर बनाया था वो इसके ऊपर रख देंगे और स्पून की मदद से इसे हल्का फैला देंगे और अब इसे रोल कर लेंगे। ध्यान से रोल करिएगा जो ब्रेड है वह टूटे ना। एक ब्रेड तैयार हो गया, इसी तरह बाकी ब्रेड बना लेंगे। इस मिक्सचर से लगभग 5 से 6 ब्रेड रोल बन जाते हैं। कभी कभी रोल करते समय जो ब्रेड है वो टूटने लग जाती है, तो आप इसे हाथों से इस तरह से चिपका दें तो वो आराम से चिपक भी जाती है। अब इन सारे ब्रेड रोल को एक प्लेट पर ले लेंगे और इनके ऊपर कंडेंस मिल्क डाल देंगे। इस तरीके से कंडेंस मिल्क को ऊपर से डालेंगे तो जो ब्रेड है वो इसे सोक कर लेगी और काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी और जो ब्रेड है वो थोड़ी मीठी भी हो जाएगी। इसलिए आप कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी मलाई में अपने हिसाब से ऐड करिएगा। अब इसे डेकोरेट कर लेते हैं। इसके ऊपर बादाम रख देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर कुटा हुआ ड्राई फ्रूट भी छिड़क सकते हैं। इसे आप जैसे चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। इसे आप एज अ डेजर्ट भी सर्व कर सकते हैं। यह बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आएगा। आप चाहें तो कंडेंस मिल्क को घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस रेसिपी को आप बिना गैस चलाए 2 मिनट में बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।